तो भाई साहब फाइनली आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की जीत की शुरुआत हो चुकी है पाकिस्तान को हरा के। यानी कि हमने पिछले वीडियो में बोला था कि ये पहला मैच शायद से होगा कि इंडिया पाकिस्तान को दोपहर में हराएगी, तो वो हमारी बात सच हो चुकी है। यानी कि इंडिया ने पाकिस्तान को कुछ 105 रन्स पे रोक दिया था और टीम इंडिया ने 108 रन्स बना के पूरा मैच अपने काबू में कर लिया और इससे अपनी शुरुआत कर ली। और आई होप सो कि आगे आने वाले दो मैच में इंडिया बढ़िया परफॉर्मेंस करे और सेमीज में आ पाए। तो इसमें काफ़ी सारे प्लेयर्स ऐसे थे जिन्होंने अपने किरदार को वाकई में सही से निभाया। यानी कि काफ़ी सारे ऐसे भी बॉलर्स थे जिन्होंने वक्त वक्त पे और पावर प्ले में मोस्ट ऑफली विकेट्स लेके टीम इंडिया की पकड़ मैच में मजबूत बनाई थी। यानी कि जैसे कि हमारे वीडियोस में हम धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट कंटेंट की तरफ, तो वही चीज़ें हैं जो टीम इंडिया को लेकर आगे बढ़ती है। तो उन्होंने काफ़ी सारी ऐसी भी विकेट थी जहाँ पे जब ज़रूरत थी तब आई, पर काफ़ी सारी ऐसी भी चीज़ें हुई जहाँ पे कैच ड्रॉप हुए 2 से 3 बार और थोड़ी सी मिसफील्डिंग या थोड़े से चांस ऑफ एक्शन लेट हुआ, मैं ऐसा मानता हूँ। पर जहाँ तक देखने जाए तब तक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था। यानी कि जितने रन के अंदर रोकना चाहिए उतने रन के अंदर उन्होंने रोक दिया है और टीम इंडिया ने काफ़ी अच्छी तरीके से, और आई होप सो कि उनके रन रेट में बढ़ोतरी हुई होगी और थर्ड पोजीशन पे आ गए होंगे शायद से, पर अभी भी गेम ओवर नहीं हुआ है। यानी कि अभी आने वाला मैच है श्रीलंका के सामने और उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया के सामने, तो ये काफ़ी श्रीलंका के सामने थोड़ा सा हम वीकली टीम लेके चल सकते हैं, पर इस टूर्नामेंट की इस लीग की इस मूवमेंट पे किसी भी टीम को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यानी कि कुछ भी मूवमेंट पे कुछ भी हो सकता है, तो डेफिनेटली हमको आने वाले दो मैच कंटिन्यूसली पूरे फुल फॉर्म में खेलने पड़ेंगे। पर एक डिसएडवांटेज भी हो सकता है कि यानी कि जो श्रीलंका के सामने है वो है दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में, और जब ऑस्ट्रेलिया के सामने इंडिया खेलेगी तब है शारजाह में मैच। तो ये जो जीता पाकिस्तान के सामने वो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में था, तो आई होप सो कि ये टीम इंडिया दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की परिस्थितियाँ जो जिस हिसाब से वक्त के दौरान बदलती है वो सारी चीज़ों को समझ पाए होंगे। पर टीम इंडिया के बॉलिंग टीम में सुधा रेड्डी एंड सुप्रिया पाटिल, इन दोनों ने टॉप मोस्ट परफॉर्मेंस किया है। यानी कि सुधा रेड्डी ने 3 विकेट्स और सुप्रिया पाटिल ने 2 विकेट्स लेके काफ़ी बढ़िया अच्छा परफॉर्मेंस किया है, और काफ़ी सारे और भी बॉलर थे जिन्होंने एक एक विकेट लेके भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूट किया है और मोस्ट ऑफली पावर प्ले में। और बैटिंग की तो बात की ही नहीं जा सकती, यानी कि 4 विकेट गवा के उन्होंने 108 रन बना दिए और हर एक के इंडिविजुअल में 2 नंबर्स में, यानी कि 20 के ऊपर रन थे काफ़ी सारे प्लेयर्स के और 20 के अंडर्स भी थे काफ़ी सारे प्लेयर्स के। पर उन्होंने बैटिंग का थोड़ा सा साइड में रखते हैं, पर बॉलिंग का परफॉर्मेंस टीम इंडिया का काफ़ी बढ़िया रहा था, और आई होप सो कि वो आने वाले मैचेस में काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस करे और ऐसे ही लगातार जीतते रहे और इस साल जो हमने T20 वर्ल्ड कप मेंस में जीता है वही चीज़ हम फिर से दोहराएंगे वुमेंस में। तो इस वीडियो से हमको एक और नई चीज़ सीखने को मिलती है कि हार हो या जीत हमको दोनों को सर पे बिठा के नहीं रखने का है, कंटिन्यूसली मेहनत करते रहनी है और जो बीत गया वो बीत गया, जो आने वाला है उसकी तैयारी में लगे रहो तो सफलता वाकई में हासिल होगी। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे न्यू वाले वीडियो के साथ, सी यू, बाय बाय, लेट्स गो।